अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, उस पूरे चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके एमसीक्यूज और या अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया तो वो हम आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फुल चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के आज हम यहाँ पर जो है ना वो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये समझो कि आपका रिवीजन हो रहा है चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट में कहा कि सर आप एमसीक्यूज को भी डिस्कस करें, हमें हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बाबा, तो दिस इज़ एमसीक्यू नंबर 1 के मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एएमयू इज इक्वल टू डैश। तो ऑप्शन नंबर 1 इज 5.5 × 10⁻⁴, 5 × 10⁻³, 0.0055, 0.0505। अच्छा, हमें पता है जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ए एम यू में जो है तो वो होता है मेरे बच्चों 0.0055 ए एम यू। अच्छा, अब इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो इस पॉइंट को यहाँ तक हम पहुँचाएँगे। क्यों? कि स्टैंडर्ड नोटेशन में डेसिमल पॉइंट से आगे सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए, नॉन जीरो, 1, 2, 3 और 4। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गई, तो ये नंबर बन जाएगा 5.5 × 10⁻⁴। क्योंकि हम 4 times राइट की तरफ गए तो पावर नेगेटिव होगा, तो 5.5 × 10⁻⁴ इज इक्वल 0.0055 AMU। तो देखो 5.5 × 10⁻⁴ हमें कहाँ पे नज़र आ रहे हैं मेरे बच्चों, यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस MCQ नंबर 1। अब चलते हैं MCQ नंबर 2 की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैथोड रेज इज रॉन्ग, बताओ कौन सी गलत है, बाकी सब सही होंगी। नंबर 1, द रेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है। नंबर 2, द EM रेशियो इज इंडिपेंडेंट टू द नेचर ऑफ द गैस, तो बिल्कुल ये भी सही है। EM रेशियो इज स्मॉलर देन पॉजिटिव रेज, EM रेशियो इज स्मॉलर देन पॉजिटिव रेज, माना इलेक्ट्रॉन्स का EM रेशियो कम होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, तो ये तो गलत है। ये क्या है मेरे बच्चों, गलत है बिल्कुल। और तीसरा भी हम चेक कर लेते हैं कि द रेज कैरी अ नेगेटिव चार्ज, तो ये बात भी सही है, माना कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है और इनकी प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट होती है टू द नेचर ऑफ द गैस। ठीक है बाबा, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। और दीज रेज प्रोड्यूस अ मैकेनिकल इफेक्ट, प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि पार्टिकल्स हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे वो गलत है, क्योंकि हमें पता है कि जो EM वैल्यू होता है वो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, क्योंकि इसका मास कम है। तो जिस पार्टिकल का मास कम होगा उसका EM वैल्यू ज़्यादा होगा, और जिसका मास ज़्यादा होगा उसका EM वैल्यू कम। तो EM वैल्यू रेशियो इज स्मॉलर देन द प्रोटॉन, ये गलत है, उससे ज़्यादा होता है। तो MCQ नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं MCQ नंबर 3 की तरफ। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट यूरेनियम 92, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें इस यूरेनियम की, तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एटॉमिक नंबर यूरेनियम का है 92, तो करेक्ट ऑप्शन आपको कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 5F4। आप खुद करेंगे ना, जब 1s से लेके 1s2s2p से लेके जब आप 5A4 तक पहुंचेंगे तो आपको ये ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। तो ये है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, या कहें चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है बाबा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरेनियम। तो एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम इज 92। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 1s2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 6p के बाद 7s, फिर इसके बाद मेरे बच्चों आ जाएगा 5f। चलो हम काउंट कर लेते हैं पहले। ये देखो यहाँ पे पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 आएंगे, 2, 6, एस में 2, पी में 10 आएंगे, पी में 6 आएंगे, एस में 2, डी में 10, पी में 6, 2, एफ में ज़्यादा से ज़्यादा 14, और इस तरीके से। अब ये काउंट करते हैं, 2 to the 4, 10, 10, 10 और 10 यहाँ पे 20, 30, 36, 38, 38 में ऐड करें 10 तो 48, 48 प्लस 2, 50, 56, 56 में जमा करें 14 तो 70 हो जाएगा, 70 और में 10 ऐड करें तो यहाँ कितना हो गया जवाब, 80, 80 प्लस 6, 86, 86 में 2 जमा करो तो 88। अब हमारे पास जो एलिमेंट है यूरेनियम, इसका एटॉमिक नंबर है 92।
तो मेरे बच्चों एफ में हम ज़्यादा से ज़्यादा 14 डालते हैं, तो 88 में कितना जमा करें, जवाब 92 आ जाए, हम कहेंगे 4। तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो इसकी आखिर वाली है, आर्बिटल की है, वो है 5F4। तो यूरेनियम की जो मेरे बच्चों हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वो क्या आ गई, 5F4। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, 5F4। चलते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। द नेचर ऑफ द पॉजिटिव रेज डिपेंड्स अपॉन डैश। अब हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट होती है इलेक्ट्रोड या गैस के ऊपर, जबकि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। माना द नेचर ऑफ द पॉजिटिव रेज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस। गैस पे ही वो डिपेंड करते हैं, क्योंकि जैसी गैस होगी वैसे ही प्रोटॉन्स निकलेंगे। हेवियर गैस होगी तो हेवियर प्रोटॉन निकलेगा। तो नेचर ऑफ द प्रोटॉन नहीं कह रहा, पहले केनाल रेज या पॉजिटिव रेज थे, बाद में उनका नाम प्रोटॉन आया। क्योंकि विलियम क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में अपना केनाल या पॉजिटिव रेज की बात हुई थी। ठीक है बाबा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज केनाल रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस फील्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और नाउ एमसीक्यू नंबर 5, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। ये जे थॉमसन ने, क्योंकि इसने दो काम किए थे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ईएम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन। नाउ एमसीक्यू नंबर 6, द मास ऑफ प्रोटॉन इज डैश 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम मास ऑफ प्रोटॉन, या 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, ये भी सही है, या 1.008 mu, या 1.0073 mu, ये भी सही है। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नंबर 7 MCQ क्या है मेरे बच्चों, दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एलिमेंट बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9 है। तो हमें पता है कि एटॉमिक मास में से जब माइनस करेंगे हम 4 एटॉमिक नंबर, तो जो जवाब आएगा 9 - 4 = 5। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास में से जब एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 8, द क्वांटम नंबर्स फॉर 2p इलेक्ट्रॉन्स आर डैश। अच्छा, 2p का मकसद क्या हुआ, कि n का वैल्यू यहाँ पे 2 है और p के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 1। तो n इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 1। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, n इज 2, l इज 0। अच्छा, l 0 तब होगा जब यहाँ पे 2s लिखा हो, या n 2, l 3, 3 तब होगा जब यहाँ पे f लिखा हो, क्योंकि हमें पता है कि l का वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। नाउ एमसीक्यू नंबर 9, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेम क्वांटम नंबर पजेसेस बाय ईच इलेक्ट्रॉन कैन बी डैश। तो हमने पढ़ा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कि किसी भी आर्बिटल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनके तीनों पहले वाले क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, चौथा स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा डिफरेंट होगा। नाउ एमसीक्यू नंबर 10, द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द नाइट्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। अच्छा, किसने कहा था कि नाइट्रोजन के आखिरी जो, अगर हम कॉन्फिगरेशन करें ना यहाँ पे नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर है 7, 1s2, 2s2 और 2p3। अच्छा, p के पास यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इसमें तीनों अनपेयर्ड है, तो ये किस रूल के तहत हमने किया, दिस वाज दी हुंड्स रूल। तो करेक्ट ऑप्शन डी का ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 11 की तरफ। तो बच्चों, प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय। देखो, अगर यहाँ पे सिर्फ मैं लिखता कि डिस्कवर्ड, तो बच्चों को डाउट होता, वो कहते सर गोल्डस्टीन भी है। तो याद करो, प्रोटॉन्स को गोल्डस्टीन ने नहीं, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था, और नाम भी इसी का रदरफोर्ड ने दिया है। तो गोल्डस्टीन यहाँ पे गलत है, गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव रेज या केनाल रेज की बात की थी। नाउ एमसीक्यू नंबर 12, द केनाल रेज कैरी डैश चार्ज। केनाल रेज का दूसरा नाम क्या होता है, पॉजिटिव रेज। तो दिस कैरी पॉजिटिव चार्ज। आसान एमसीक्यूज भी हैं, कुछ एवरेज भी हैं, कुछ अबव एवरेज भी हैं, सबको आपको देखना होगा, सीखना होगा। अगर कोई चीज़, अच्छा इंपॉर्टेंट क्या होता है, बच्चे पूछते ना सर व्हाट इज इंपॉर्टेंट, तो मैं कहता हूँ मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट वो है जो आपको याद नहीं, जो आपको नहीं आ रहा, दैट इज इंपॉर्टेंट, पहले उसको फोकस करें। द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन फॉर ओ शेल। अब देखो यहाँ पे पहले कौन सा शेल होता है, के, फिर एल, एम, एन और ओ। तो ओ पांचवें नंबर पे आ रहा है, तो हियर द वैल्यू ऑफ एन इज 5, क्योंकि पांचवें नंबर पे शेल आ रहा है, तो बच्चे यहाँ पे जो एन का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 5। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, नंबर 14, नॉर्मली गैसेस एट एसटीपी आर डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो याद करें, जो गैसेस होती हैं आम टेम्परेचर पे बैड कंडक्टर होती हैं, क्लियर। आज जब हम प्रेशर बहुत कम कर लेते हैं 0.00 टार, तब जाके जो है ना वो ग्लो अपियर होता है इनसाइड द ट्यूब। मैंने आपको पढ़ाया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में।
तो नॉर्मल प्रेशर पे गैसेस आर नॉन कंडक्टर, या हम कहते हैं बेड कंडक्टर। क्लियर बाबा? नाउ एमसीक्यू नंबर 15। द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल फॉर डी सबशेल इज, एस के लिए 0, पी के लिए 1, तो डी के लिए क्या था मेरे बच्चों? 2। ये बिल्कुल आसान एमसीक्यू। नंबर 16, द कैथोड रेज आर डैश ऑफ द मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड आर गैस फिल्ड इन द ट्यूब। तो कैथोड रेज क्या डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द गैस या इलेक्ट्रोड पे? नहीं, इंडिपेंडेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। द ई एम रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रोटॉन। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्यों, कि जिस पार्टिकल का मास कम होगा उसका ई एम वैल्यू ज़्यादा होगा। नाउ नंबर 18, व्हिच रेज आर नॉट अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो रहे थे, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज थी, प्रोटॉन भी डिफ्लेक्ट हो रहे थे, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज थे, न्यूट्रॉन वो पार्टिकल थे जो बिल्कुल सीधे चले गए थे, ना ही पॉजिटिव की तरफ गए न्यूट्रॉन्स, ना ही नेगेटिव की तरफ गए, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं थी। अगर चार्ज नहीं है तो नो डिफ्लेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नंबर 19, मास ऑफ प्रोटॉन इज डैश 1.67 × 10⁻²⁴ किलोग्राम। तो जो जज्बाती बच्चे होंगे ना वो कहेंगे ये सही है, क्योंकि मेरे बच्चों यहाँ पे किलोग्राम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? किलोग्राम। यहाँ पे ग्राम हो तो सही था, या 9.1, ये तो है ही नहीं। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 से स्टार्ट होता है, तो 1.67 × 10⁻³⁰, नहीं ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी, मतलब तीनों मासेस प्रोटॉन के नहीं है। द चार्ज वैल्यू ऑन इलेक्ट्रॉन इज डैश 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। कभी कभी इसके आगे नेगेटिव साइन भी डाल देते हैं, कभी नेगेटिव साइज चार्ज नहीं लिखते, तो अगर लिखें तो बेहतर है, नहीं भी लिख रहे तो आप वैल्यू समझ जाओ कि वैल्यू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज वैल्यू बिल्कुल सेम होता है, दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब 20 के बाद एमसीक्यू नंबर 21, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश 1.67, नहीं ये तो 9 से स्टार्ट होता है, 9.1 × 10⁻³⁰ किलोग्राम। अगर ग्राम होता तो यहाँ पे −28 होता, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 1.6 भी नहीं है, 9.1 × 10⁻²⁷ किलोग्राम नहीं, −31 किलोग्राम है। ठीक है बाबा, तो चार्ज ऑन द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वैल्यू चार्ज का सेम है। देखो यहाँ पे 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वही सेम वैल्यू लिखा है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अच्छा, पॉजिटिव मेंशन कर रहा है प्रोटॉन के बारे में, अगर इलेक्ट्रॉन की बात होती तो यहाँ पे माइनस होगा। क्लियर बाबा? नाउ एमसीक्यू नंबर 23, मास ऑफ प्रोटॉन इज डैश 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। ये भी सही है, समझो रिपीट हो रहा है एमसीक्यू। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय एक ही था साइंटिस्ट, कोई डाउट नहीं है प्रोटॉन्स की तरह, ठीक है, तो दैट वाज जे थॉमसन। केनाल रेज वर डिस्कवर्ड बाय, हाँ देखो अब यहाँ पे मैंने प्रोटॉन नहीं कहा, अब मैंने क्या लिखा है मेरे बच्चों, केनाल रेज वर डिस्कवर्ड बाय, तो अब आप कहोगे गोल्डस्टीन। केनाल रेज या पॉजिटिव रेज, विलियम क्रूक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किए थे। अब देखो यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 26, वन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम N4 to N2। अच्छा, कहाँ पे आके रुक रहा है? N2 पे। तो N2 कौन सी है? पहले लाइमन सीरीज थी, उसके बाद बाल्मर सीरीज थी, ठीक है बाबा। तो यहाँ पे जो सीरीज हमें कौन सी मिली, सीरीज यहाँ पे हमें मिली बाल्मर सीरीज। और हमने पढ़ा है कि बाल्मर सीरीज किस रीजन में है? विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन में। तो वन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम N4 to N2, N1 वैल्यू यहाँ पे 2 है, इन हाइड्रोजन, देन स्पेक्ट्रम बिलोंग्स टू डैश रीजन। आप कहोगे विजिबल रीजन, क्योंकि ये बाल्मर सीरीज है, लाइमन थी यूवी में और बाल्मर थी विजिबल रीजन में, जबकि इसके बाद पास चेन ब्रेकेट और पी फंड वो तीनों IR में थी, नियर IR, मिड IR, फिर IR, फार IR। तो हमारी किताब में तो सिर्फ ये लिख रहे हैं जस्ट सिंपली IR। तो मेरे बच्चों, नाउ एमसीक्यू नंबर 27, इमियन स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर फ्रॉम। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा फोकस करना। एमसीक्यू नंबर 27, सारे NBM अगर ये कुछ और है, कुछ खास इम्पोर्टेंट है। तो इमियन स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स फ्रॉम। इमियन स्पेक्ट्रम तब होता है जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आए, मैंने आपको पहले बताया है। एब्जॉर्प्शन तब होता है जब नीचे से ऊपर चला जाए। तो N3 से N1, हाँ ये भी सही है। अब चेक करते हैं आगे, N1 to N4, नहीं नीचे से ऊपर नहीं होगा, N2 to N3 नीचे से ऊपर ये भी नहीं होगा, N2 to N4 नीचे से ऊपर ये भी नहीं होगा। तो इमियन स्पेक्ट्रम तब होगा जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, माना ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ एमसीक्यू नंबर 28, एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 1, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन हैव द डैश वैल्यूज। अब देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू अगर 1 है तो हमारे पास सब शेल कौन सा है? पी। तो पी के पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के कितने वैल्यूज होते हैं? 3। अच्छा, 3 वैल्यूज कौन से होते हैं? −1, 0 और +1। ये हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था।
ये भी एमसीक्यू बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट है, रीजनिंग बेस्ड एमसीक्यू ये भी। नाउ नंबर 29 एमसीक्यू, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज द डैश फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यार ये ज़बरदस्त एमसीक्यूज है, इनमें से तो एक रिपीट ही होगा, मोस्टली आते रहते हैं, तो इनको आपको याद करना है कि शेल में कितने सब शेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, या सब शेल में कितने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यार ये 5 से 6 एमसीक्यूज है मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको रटना है, आपको याद करना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज द डैश फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इज इक्वल टू 2। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या पूछ रहे हैं हमसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, हमें यहाँ पे क्या मालूम करना है, ऑर्बिटल मालूम करना है, ऑर्बिटल्स कितने, जब एन का वैल्यू क्या होता है मेरे बच्चों, 2 हो। अच्छा जब एन का वैल्यू 2 हो मीन्स दूसरा शेल है, तो ये शेल कौन सा होगा, एल, और हमें पता है कि एल शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, तो इसमें 2 सब शेल होते हैं, एक होता है एस दूसरा पी, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें। तो अब यहाँ पे बात ऑर्बिटल की हो रही है, तो एस का एक होता है ऑर्बिटल और पी के 3 होते हैं, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, ना टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 4, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 4, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ एमसीक्यू नंबर 30, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेम क्वांटम नंबर्स पजेसेस्ड बाय ईच इलेक्ट्रॉन कैन बी डैश। ये वही सेम रिपीट हो रहा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाला, कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ऑर्बिटल में हैं तो उनके तीनों पहले क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, मगर जो चौथा स्पिन क्वांटम नंबर है ना मेरे बच्चों, वो हमेशा क्या होगा, डिफर होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 31 पे, द वैल्यू ऑफ रेड बर्ग कांस्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, 109 6 7 8। तो देखो 109 आगे गिनती करो 6 7 और 8, पता लगाने में ये एक ट्रिक है, एक हिंट है कि 109 109, फिर आगे गिनती करो 6 7 एंड 8, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ये भी आपको रटना है, याद करना है, 6.625 × 10⁻³⁴ जूल इंटू सेकेंड। हाँ अगर ये अर्ग में होता तो 6.625 × 10⁻²⁷ अर्ग इंटू सेकेंड, अर्ग इंटू सेकेंड। नाउ एमसीक्यू नंबर 33, एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है, खास है इस चैप्टर में से, तो इनको भी आपको सेव करके रखना है, फिर आप भले इसकी अपने तरीके से प्रैक्टिस भी करना। द वैल्यू ऑफ n1 फॉर द ब्रैकेट सीरीज, अब देखो ब्रैकेट सीरीज चौथे नंबर पे सीरीज है, तो इसीलिए इसका n1 का वैल्यू क्या होगा मेरे बच्चों, 4 होगा। हाँ इस ब्रैकेट सीरीज के लिए n2 का वैल्यू 4 से ज़्यादा होगा, मीन्स 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 एंड सो ऑन। नाउ एमसीक्यू नंबर 34, द पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डैश आयोनाइजेशन ऑफ द गैस। हमने पढ़ा है कि एनोड में से नहीं निकल रहे थे केनाल रेज या पॉजिटिव रेज, ये कहाँ से निकल रहे थे, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स गैस फिल्ड इन द ट्यूब थी उसके साथ स्ट्राइक करे तो वो गैस आयोनाइज हो गई इनटू पॉजिटिव पार्टिकल्स, जिन्हें हम केनाल रेज भी कहते हैं। तो बच्चों पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ द गैस, एनोड में से नहीं निकल रहे, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं, वहाँ से नहीं, करंट से भी नहीं निकल रहे थे, तो कहाँ से निकल रहे थे, बाय द आयोनाइजेशन ऑफ अ गैस फिल्ड इन द ट्यूब। नाउ एमसीक्यू नंबर 35, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी वाज गिवन बाय, तो जैसे मैंने आपको फोटॉन या क्वांटम के बारे में पढ़ाया था, तो उस साइंटिस्ट का नाम था मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है ना, तो मैक्स प्लैंक्स ने क्वांटम थ्योरी दी, तो वहाँ से एमसीक्यू निकला है। नाउ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन स्पेसिफिक शेल, जैसे ऑर्बिट अपने नील बोहर सॉरी रदरफोर्ड अपने बोहर ने बोहर ने क्या कहा था, जब एक इलेक्ट्रॉन अगर फिक्स शेल में रिवॉल्व कर रहा है, फिक्स शेल में या ऑर्बिट में, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, हमेशा सेम रहेगी। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर फिक्स शेल ऑर्बिट विल रिमेन सेम। एनर्जी कम ज़्यादा तब होगी जब नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, एक्साइटेशन में जाए या रिलैक्सेशन में आ जाए। तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेसिफिक शेल, एक फिक्स शेल में क्या होगी, हमेशा सेम होगी या कॉन्स्टेंट, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नाउ 37, टू ऑर्बिटल हैव द सेम वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, देन इलेक्ट्रॉन विल गो टू द व्हिच ऑर्बिटल हैविंग डैश एन वैल्यू। तो याद करो अगर दो ऑर्बिटल्स मुख्तलिफ हैं, उनका एन प्लस एल वैल्यू सेम आएगा, तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसका एन का वैल्यू कम हो। ये पहले मैंने आपको इसी लेक्चर में एन प्लस ए रूल में जो विलियम विजवेजर ने दिया था मैंने आपको समझाया है। तो अगर दो मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स का एन प्लस एल वैल्यू सेम है, ठीक है ना बाबा, जैसे 3s और 2p और 3s दोनों का एन प्लस एल वैल्यू 3 है, तो जिसका एन वैल्यू कम है पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जाएगा, माना ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नंबर 38 एमसीक्यू, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय डैश। देखो
शेल में सब शेल हमने जस्ट एन के जरिए मालूम किया था, जैसे के शेल है ना, के शेल ये पहले नंबर पे आ रहा है तो इसमें सिर्फ एक सब शेल होगा और कौन सा होगा, वो एस होगा। एल दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये पहले नंबर पे है ना, एन का वैल्यू वन है, इसका एन का वैल्यू टू है, माने इसके अंदर क्या होंगे, दो सब शेल होंगे, एक एस होगा और दूसरा पी होगा। तो एन का वैल्यू हमें बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल, तो कहाँ पे, दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। तो ये था टू टू एल प्लस वन, टू टू एल प्लस वन, जहाँ से हमने क्या मालूम किया था, एस में दो, पी में छः, डी में दस और एफ में फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स थे। नाउ एमसीक्यू नंबर 40, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय डैश। अच्छा, उसी सब शेल में जब हम ऑर्बिटल्स की बात करेंगे ना, तो यहाँ से टू आप निकाल दो, ये हो जाएगा टू एल प्लस वन, टू एल प्लस वन। नाउ मेरे बच्चों एमसीक्यू नंबर 41, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, बहुत ही आसान, तकरीबन सब बच्चों को आता है ये, दैट इज टू एन स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल वी कैन कैलकुलेट बाय द फार्मूला टू एन स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द डैश ऑफ द न्यूट्रॉन, अच्छा प्रोटॉन के मुकाबले में क्या था, 1/136, न्यूट्रॉन से कुछ ज़्यादा है, 1/139, या किन बुक्स में 1/140 भी, 1840 भी लिखते हैं, ठीक है बाबा, तो 1/1839। चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय, वही सेम साइंटिस्ट है, इसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का दिया था, उसे हम जे जे थॉमसन कहते हैं, जोसेफ जॉन थॉमसन। अच्छा, विच पेयर ऑफ गैसेस या सब्सटेंसेस विल फॉर्म आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, आर्गन का कितना होता है मेरे बच्चों, 18, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, नियन का कितना होता है, 10, सल्फर का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 16, और हीलियम का होता है 2, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और नियान का होता है 10। नियान तो नोबल गैस है, ना इलेक्ट्रॉन देगी या गेन करेगी, हाई हीलियम ना भी लॉस गेन करेगी, क्योंकि नोबल गैसेस जो होती है ना बच्चों, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस या गेन नहीं करेंगी। नाइट्रोजन 3 गेन करेगा तो 18 के बराबर नहीं होगा, ऑक्सीजन छठे ग्रुप में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल जाएंगे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो 8 में से ये क्या हो जाएगा, 10, ये 10, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर सल्फर बीच 6 ग्रुप में ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 18 हो जाएगा, जो 2 के बराबर नहीं है, मतलब ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। क्लोरीन भी अगर एक गेन करेगा, 7वें ग्रुप में एक गेन करेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये 18 हो जाएगा और ये 10, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मीन्स ऑक्सीजन आयन बनेगा तो उसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जितने नियान के पास है, 10। नाउ एमसीक्यू नंबर 45, तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल कैन बी एक्सप्लेन कैन एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ डैश ओनली, याद करो ये सिर्फ उस स्पेशी के लिए जिसके आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे हाइड्रोजन एटम या ऐसा कोई आयन जिसके आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। तो अच्छा, यहाँ पे देखो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, मगर मैंने देखो यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, ओनली, तो सिर्फ इसके लिए नहीं है, तो ये इनके लिए भी, मतलब एटम आर आयन कंटेनिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन, तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। इसमें समझो ये हाइड्रोजन एटम भी आ गया, मॉलिक्यूल में 2 होते हैं, सोडियम में 11 होते हैं, तो दोनों के ऊपर नहीं लगेगा, इन इसके ऊपर लगेगा, तो एटम आर आयन कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, तो वाकई हाइड्रोजन के पास भी क्या होता है, एटम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, माना ये इसके अंदर आ गया। नाउ एमसीक्यू नंबर 46, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज डैश, तो ये तो आप सबको पता है, पॉली ने कहा था कि एक ऑर्बिटल के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे ऑफ पाई प्रिंसिपल, देखो 2s2, 2p, 2px2, 2py1, ये भी सही है, 2 आ गए, एक एक ये भी सही है, ओके। अब आ जाएं सी के तरफ, 2s2, 2p1, p1, चलो एक एक सबके पास आ गया, ये भी सही है। अब यहाँ पे आ जाओ 2s2, 2p2, 2py2, हाँ ये भी सही है बिल्कुल, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ 2s1, 2p2, ये गलत है, पहले हम s को कम्प्लीटली फिल करेंगे, जो बचेंगे तब आगे जाएंगे, माना दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, माना विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे ऑफ आवर प्रिंसिपल, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ एमसीक्यू नंबर 48, ड्यूअल नेचर ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स वाज गिवन बाय डी ब्रॉय, याद है आपको, डी ब्रॉय ने कहा था कि मैटर विल बिहेव लाइक पार्टिकल एज वेल एज वेव, जैसे आइंस्टाइन ने लाइट के बारे में दी थी कि लाइट हैज़ अ ड्यूअल नेचर, इस तरीके से डी ब्रॉय ने क्या कहा था कि मैटर हैज़ अ ड्यूअल नेचर। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट कॉपर, बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यू, ये मैंने आपको सॉल्व कराया था, अगर इसकी एक्सपेक्टेड हम कहें ना एक्सपेक्टेड, तो वो क्या होगी, 4s2 3d9, मगर स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4s1 और 3d10, तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस, देखो कहाँ पे लिखा हुआ है 3d10, माना 4s1 3d10, एक्सपेक्टेड 3d9 होगी,
मगर जो इन रियल है हम ऑब्जर्व करते हैं दैट इज 4s 1 3d 10। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m फॉर द f सबशेल, s के लिए 1, p के लिए 3, d के लिए 5 और f के लिए 7। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप बच्चों को फ़ायदा हुआ होगा इस चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी उसको मैंने एमसीक्यूज के फॉर्म में यहाँ पे लिखा और समझो कि एक आपका रिवीजन हो गया थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट में, इसीलिए चला क्योंकि एमसीक्यूज 50 बहुत ज़्यादा थे और मैं चाह रहा था कि आप बच्चों का थोड़ा रिवीजन भी हो जाए और जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको अच्छे तरीके से आप यहाँ पर देखें। तो बच्चों अगर आपको बात समझ में आ रही है तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें YouTube चैनल सरफराज वीएन को और जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं। तो जितनी एक्सेस इस चैनल की ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा बच्चों तक रीच होगा तो उतनी मेरी मेहनत जो है ना वो बच्चा काम आएगी सबके। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।